सर, और सर एक महिला की हत्या की गई थी, काफी लंबे टाइम बाद आरोपी गिरफ्तार, क्या क्या है पूरा मामला? ये काफी पुराना मामला है, 2021 नवंबर महीने का है। एक महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई थी थाना विजयनगर में, उसी घटना का आज खुलासा हुआ है। उस महिला की हत्या कर दी गई थी उसी समय, और उसकी डेड बॉडी को नोएडा के थाना रबुपुरा क्षेत्र में फेंक दी गई थी, उसका खुलासा हुआ है। उसमें जो भी अभियुक्त थे उसमें से तीन गिरफ्तार हुए हैं, तीनों ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इसमें जो मुलजिम है वो उस महिला का पति ही है। पति ने अपने अन्य साथी बदमाशों से संपर्क करके उनको पैसा देकर उसका पहले किडनैप करवाया, और किडनैप करवाने के बाद उसका उसको उसकी हत्या करके डेड बॉडी को वहां पे फेंक दिया था। उसका कहना था कि वो पति से बहुत ही परेशान था, पति पत्नी पत्नी से अपने पत्नी पति में बहुत झगड़ा होता था, मुकदमेबाजी भी हो गई थी। इसको लेकर उसने प्लान किया और अपने ही गाँव के कुछ बदमाशों को पैसा देकर उसको मारने का प्लान बनाया और उसकी हत्या करके वहां पे डेड बॉडी फेंका था। रबुपुरा से भी उस डेड बॉडी को इस घटनाक्रम से कनेक्ट किया जा रहा है और कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। 2021 का गुमशुदगी का मामला ऐसे जाके तो इसका खुलासा होगा? हाँ, अगर आप ये देखेंगे बहुत पुराना मामला था, 2021 नवंबर की घटना थी। उसमें कुछ चीजें क्राइम ब्रांच जो कमिश्नरेट की है उनको मिली, कुछ सूत्र मिले कि इसमें वो महिला की हत्या हुई है और उसकी डेड बॉडी रबुपुरा क्षेत्र में फेंकी गई थी। और ये भी आया कि उसके पति ने उसकी हत्या की, तो जब पति और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया और पूरा घटना करने का जुर्म को स्वीकार किया। टोटल कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे? इसमें देखा जाए तो पति, उसका महिला का पति और उसका भतीजा था, और पांच इसमें ऐसे थे जो किराए पे मर्डर करने के लिए सुपारी लिए थे, और करीब 5.5 लाख रुपए, कुल 7 आदमी थे, जिसमें अभी तक 4 अकाउंट फायर हो गए, 3 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हो रहे हैं। हाँ, उसी मैं कह रहा हूँ कि अभी 3 पकड़े गए हैं, 1 ऑलरेडी जेल में है और 3 अभी और बचे हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी। ये जो बदमाश है जो किराए पे हत्या किए हैं वो अच्छे खासे बदमाश हैं, उनका काम ही है लूट और इस तरह के अपराध करना, लूट के अपराध में एक उसमें से जेल में भी है, और उन्होंने ही ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए पैसा लेकर ये घटना किया था।